क्या करें, जो कचरे वाले आ ही नहीं रहे हैं, दो दिन से चार दिन से हड़ताल पे हैं, लेकिन कचरा वाला हम लोग का परेशानी हो रहा है कचरा फेंकने के लिए। लेकिन बस हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे पास कचरे का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो जब कोई सुविधा नहीं मिलेगा तो जहां पर अंबार दिखेगा वहीं पर लोग फेंक देते हैं। ये लोग तो अक्सर हड़ताल पे ही रहते हैं, काम पे कम हड़ताल पे ज़्यादा रहते हैं। देखिए हम तो घर में बचाव कर रहे हैं कि घर से कचरा को जमा नहीं होने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कचरा ना लगे, लेकिन इसके पीछे तो सोचना होगा, जो हमारा जो वार्ड पार्षद है उसको सोचना होगा, जो नगर निगम है उसको सोचना होगा कि क्यों इतना ज़्यादा हड़ताल कर रहा है भैया, क्यों बार बार, कितना मांग है, क्या है, हम तो हैं नहीं सरकार में, हम तो आम जनता हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पटना स्मार्ट सिटी में गिना जाता है, लेकिन अब इस पटना को नज़र लग गई है और नज़र लग गई खुद की नगर निगम की है। जी हाँ, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी थे वो धरना प्रदर्शन पर आज चार दिन से हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर जा चुके हैं। वैसे में पटना की कैसी स्थिति है साफ सफाई को लेकर हम आपको आज दिखा रहे हैं, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना की हर एक चौक चौराहों की, जहाँ पर गंदगी का अंबार है और पटना पूरी तरीके से गंदगी में डूब गई है। तो इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से पटना में चार दिनों से जो सफाई व्यवस्था है वो बंद हो रखी है, और यही कारण है कि पटना जो है गंदगी में अब डूबी हुई है। और वैसे में जब डेंगू का लहर चल रहा है पटना में, और उस समय पटना का ऐसा स्थिति देखकर आप क्या कहेंगे कि पटना पूरा गंदगी में डूबा हुआ है। और ये एक जगह की बात नहीं है, चिराग पासवान का अगर बात करें तो युवा नेता माने जाते हैं बिहार के, अगर उनके आवास के पास का भी बात करें तो उनके आवास के पास भी इसी तरीके से गंदगी का अंबार है। तो पूरे पटना के चौक चौराहों पर इसी तरीके से गंदगी मिल रही है, जहाँ एक तरफ बिहार में डेंगू का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, डेली 100 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। तो पटना में जब से नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पर गए हैं, तब से पूरा पटना इसी तरीके से कचरे के अंबार में डूबा हुआ है। हम आपको उधर की भी अगर बात करें तो आप सड़कों की हालत देखिए कि किस तरीके से चारों ओर कचरे का अंबार ही अंबार आपको नज़र आएगा, चारों ओर चौक चौराहों पर कचरे का अंबार नज़र आएगा। और डेंगू को न्योता देते हुए ये पटना का कचरा, क्योंकि डेंगू का जिस तरीके से इस वक्त बिहार में प्रकोप देखने को मिल रहा है, वैसे में जब सफाई कर्मचारी ही हड़ताल पर चार दिनों से बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि स्मार्ट सिटी में जो पटना की गिनती होती थी वो पटना किस तरीके से कचरों में डूबा हुआ है। पटना स्मार्ट सिटी अब कचरों का सिटी बन के रह गया है, जब से नगर निगम हड़ताल पर गए हैं कर्मचारी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी पटना में चारों ओर कचरे का अंबार ही नज़र आएगा। पटना का किसी भी इलाके में चले जाइए, इस वक्त हम कृष्णापुरी में हैं, और अगर मैं अपने कैमरेमैन को बात करूं तो बाजू में चिराग पासवान जी का घर है, आप देख सकते हैं चिराग पासवान जी के जो गाड़ियों का काफिला है वो आपको लगा हुआ नज़र आएगा। लेकिन जिस तरीके से कचरे का अंबार जो है वो पूरे पटना में देखने को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पटना जो नगर निगम कहती थी कि हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके कर्मचारी हड़ताल पर जाने के बाद पटना स्मार्ट सिटी कचरों का सिटी बन के रह गया है। कचरा आप लोग खुद आके यहाँ फेंक रहे हैं, वो भी सड़कों पर फेंक रहे हैं इस तरीके से खुले में। क्या करें, जो कचरे वाले आ ही नहीं रहे हैं, दो दिन से चार दिन से हड़ताल पे हैं, क्या है, क्या वजह है, नहीं वजह ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कचरा वाला हम लोग का परेशानी हो रहा है कचरा फेंकने के लिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया, डेंगू का जो मरीज है उनका संख्या बढ़ते जा रहा है, बारिश हो रहा है, चारों ओर कचरा, डेंगू और फैलने का डर है, क्या कहेंगे, नगर निगम उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, पूरा कचरा में अब भरते जा रहा है पटना, स्मार्ट सिटी पटना है जी। अब नगर निगम का क्या प्रॉब्लम है हम लोग को तो आइडिया नहीं है, लेकिन बस हम लोग इतना जानते हैं कि हमारे पास कचरे का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो जब कोई सुविधा नहीं मिलेगा तो जहां पर अंबार दिखेगा वहीं पर लोग फेंक देते हैं, यही है। तो एक भेड़ चाल चला आ रहा है, उसमें लोग डालते जा रहे हैं, जहां पे कचरा दिखा वहां पर लोग फेंक दिए, तो यही चीज़ है। फेंकते फेंकते कचरों का अंबार क्या सर को लग गया, और इसको नगर निगम का जब भी हड़ताल टूटेगा क्या होगा, ये लोग तो अक्सर हड़ताल पे ही रहते हैं, काम पे कम हड़ताल पे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन डेंगू के जो मरीज हैं वो उनका संख्या भी बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, और इस तरीके से कचरे का अगर पूरे पटना में जमावड़ा देखने को मिलेगा, एक पहाड़ देखने को मिलेगा, तो फिर कैसे निपटारा होगा डेंगू से। तो क्या करें, हम डॉक्टर थोड़े हैं, हम बचाव में, आप अपने घर में बचाव में क्या कर रहे हैं। देखिए हम तो घर में बचाव कर रहे हैं कि घर से कचरा को जमा नहीं होने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कचरा ना लगे,
ठीक है, डेंगू से क्या करे, पानी जमा ना हो, यही हो सकता है। लेकिन इसके पीछे तो सोचना होगा, जो हमारा जो वार्ड पार्षद है उसको सोचना होगा, जो नगर निगम है उसको सोचना होगा कि क्यों इतना ज़्यादा हड़ताल कर रहा है भैया, क्यों बार बार, कितना मांग है, क्या है, हम तो हैं नहीं सरकार में, हम तो आम जनता हैं। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से पटना वासियों को अब दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घर का कचरा ले जाने के लिए कोई भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यही कारण है कि ये खुद से निकलकर बाहर कचरा फेंकने तो आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अब कचरे का अंबार नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरा पटना का अगर बात करें तो पूरा पटना इसी तरीके से कचरों में इस वक्त डूबा हुआ है। और यही कारण है कि अब पटना में जो डेंगू की जो संख्या है मरीजों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। डेली 160 170 जो मरीज है अब वो पहुंच गई है आंकड़ा, वहां तक जा पहुंची है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, वो हड़ताल से कब वापस आते हैं और कब पटना को फिर से स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलेगा, कब फिर पटना जिस तरीके से कचरे में डूबा हुआ है वो साफ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।